हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हो आप सब। तो भाई कल भारत ने बहुत ही अमेजिंग T20 सीरीज जीती, तो उसके बाद इंग्लैंड का कुछ ये हाल था। बाय बाय टाटा गुड बाय गया और भारत का ये हाल। भगवान। तो भाई आपने कल का मैच जरूर इंजॉय किया होगा और जिनमें घमंड था कि वो नंबर वन है, वो घमंड चूर चूर हो गया होगा। तो कल के मैच पर बात कर लेते हैं कि कल क्या खास हुआ। तो भाई कल इंडिया ने सबसे इंटरेस्टिंग निर्णय लिया कि रोहित और कोहली ओपनिंग करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए 101% नज़र आ सकते हैं। उसके ऊपर इंग्लैंड वालों का भी रिएक्शन आया कि मॉर्गन खुद शॉक्ड हो गए कि वर्ल्ड के टॉप टू बैट्समैन जब ओपनिंग करने आते हैं तो क्या दशा करते हैं वो इंग्लैंड के बॉलर्स की। जो मार्कवुड, जॉर्डन और आदिल राशिद और आर्चर, ये जब इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे थे और पहले दो तीन मैचों में तो इंडिया को पूरा नस्ते नाबूद करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अब खुद हो चुके थे। तो भाई इंडिया के हर एक बैट्समैन ने सिक्स लगाया है और इंग्लैंड की टीम पूरी आराम से बैकफुट। तो फर्स्ट इनिंग देख के तो ऐसा लग रहा था कि अगर इंडिया के विकेट या सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा अगर आउट नहीं होते तो इंडिया का स्कोर 250 नज़र आ सकता था। कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। रोहित शर्मा ने अपना टैलेंट दिखाया, अपना शौहर दिखाया कि वो कहाँ डिज़र्व करते हैं और कहाँ उनका और कितनी रिस्पेक्ट क्यों है उनकी इतनी वर्ल्ड लेवल पे। जब उनका बैट का फ्लो चल रहा था, जब एक बार रोहित शर्मा 10 या 20 बॉल तक टिक जाएं तो बॉलर कोई भी हो, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर हो या फिर कोई भी, आर्चर इतने महान बॉलर हैं, इतने अच्छे बॉलर हैं, उनकी लेंथ, उनकी शॉर्ट पिच सारा का सारा पूरा ख़राब कर दिया। और इंडिया की बैटिंग में जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो कोहली ने बनाए, इस सीरीज़ के टॉप स्कोरर भी रहे हैं, तो भाई उनको मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द सीरीज़ सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम पे किसके पास है, कोहली के पास है। 7 मैन ऑफ द सीरीज़ वो जीत चुके हैं और कम से कम 4-5 पद पर हैं बाबर आजम। तो भाई और इंडिया अभी नंबर 2 पर है, परंतु जो उन्होंने फाइट दिखाई है बहुत ही शानदार तरीके की दिखाई है, परंतु इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी मान सकते हैं क्योंकि 10-11 ओवर तक वो मैच पर थे और उनके जो बैट्समैन हैं कौन, जो वर्ल्ड के नंबर वन डेविड मलान और बेस्टो और दूसरे थे कौन, बटलर। तो भाई बटलर और मलान की बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप चली थी, जिससे एक टाइम पर तो लगा मैच इक्वल आ चुका है और कहीं इंग्लैंड लेकर ना चला जाए, क्योंकि उन्होंने 230 रन का टारगेट चेस किया हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो अब उम्मीद थी कि क्या वो चेस कर पाएंगे या नहीं। तो उसके बाद भूवी को तो आप जानते हो कि उनकी इन स्विंगर और आउट स्विंगर और जो माइंड का यूज़ करते हैं वो, तो भाई उनका जो रिस्पेक्ट बहुत ही अलग लेवल का है और इंटरनेशनल लेवल पे शायद कुछ टाइम के लिए लोग भूल गए थे कि भुवनेश्वर कोई चीज़ है, परंतु हमें बिलीव था कि भुवनेश्वर कुमार बहुत ही शानदार है। परंतु अगर हम एक और पर्सन का नाम लें ना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो है शार्दुल ठाकुर। उनको कौन भूल सकता है भाई, इस मैच का जो टोन सेट किया वो भी उन्होंने किया, पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए थे, इस मैच में भी 2 विकेट पर एक ही ओवर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इंग्लैंड की टीम पूरी की पूरी खराब हो गई। और पता नहीं क्या एक क्लब टीम दिख रही थी, अच्छी फाइट दिखी परंतु एंड में कोई ज़्यादा स्पिरिट नहीं दिखी उनके अंदर, और जो उनके वॉन थे उनका तो कुछ अजीब ही रिएक्शन था हार के बाद। उन्होंने कहा कि सेम सिचुएशन होगी, वर्ल्ड कप फाइनल होगा और इंग्लैंड जीत जाएगी। तो भाई देख लेंगे उसमें भी, और आई होप आपने मैच इंजॉय किया होगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको क्रिकेट देखना पसंद है, उसके बारे में बात करना पसंद है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मुझसे भी बात कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको इंडिया वर्स इंग्लैंड की सीरीज़ का सबसे बेस्ट मोमेंट, यानी 5th जो मैच था उसमें सबसे बेस्ट मोमेंट क्या लगा, रोहित की इनिंग या फिर जो भुवी का ओवर था वो या फिर शार्दुल ठाकुर का ओवर। तो भाई आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी और क्रिकेट पर चर्चा अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।